Hello guys and welcome to day 3 of our Manali trip. Today we are at a stay and we are having the breakfast. And in our breakfast we have some tasty sandwich, chips which is complimentary, ketchup is also complimentary and this is poha because I am not well. And this poha wellness ke hisab se to isme bahut kuch dala hua hai but chalo fir bhi light hi hoga to kha lete hain. Aur hamare sath share karne wale hain ye teen log aur ye teen kutte. और रिवर व्यू और माउंटेन. अब हम लोग तैयार होके घूमने जा रहे हैं नागर और अभी आप हमारे साथ लो जर्नी का मजा. मैं और गौरव है स्कूटी पे. शिरकत करके एक बहुत ही खतरनाक सी जगह पे आए और यहाँ पे डेड एंड हो गया है. अब हमें यू टर्न लेना होगा और फिर देखते हैं हमें कहाँ जाना पड़ेगा. रास्ता बहुत खतरनाक है, देख रहे हैं ऐसा है बिल्कुल स्लैंट. वीडियो में नहीं लग रहा लेकिन है पूरा 45 डिग्री इंक्लाइन और टूटड़ फूटड़ भी है, मतलब टूटा फूटा भी है. इस लड़की के पति ने तो बोल दिया पैदल ही आ और वो निकल गए अपना आगे. अब डर लग रहा है घर जाके पिटाई होगी इसलिए वेट कर रहा है. फाइनली हम पहुंच गए अपनी डेस्टिनेशन जो कि था जना फॉल. यहाँ पर ये एक बहुत ही प्यारा सा, बहुत ज्यादा हाइट तो नहीं थी, छोटी हाइट का था पर बहुत अच्छा वाटरफॉल था. ऊपर से पानी आता था और ये बगल में नीचे से क्रॉस हो जाता था और यहाँ पर बीच में एक इन्होंने छोटा सा लकड़ी का पुल सा भी बना रखा था. मस्त फील आ रही थी, एकदम पानी की बहुत तेज आवाज आ रही थी. देखो ये रहा वो लकड़ी का पुल और ऐसे करके पानी आगे नीचे गांव की तरफ चला जाता था. इसी के बगल में था शिवा ठाकुर ढाबा. ये ढाबा भाई बहुत ज़्यादा फेमस था, हम ऑलरेडी इंस्टाग्राम में इसको देख के आए थे. हमारे जाने तक तो यहाँ पर बहुत भीड़ थी, फिर हमें थोड़ी देर वेट किया जब सब लोग चले गए तब हमने फिर यहाँ पर कुछ खाने का ऑर्डर किया. एंड यहाँ पर ये आंटी बहुत ही ज़्यादा इंस्टाग्राम में वायरल थी, इनके यहाँ बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी आके खाना खा के जा चुके हैं और इन्होंने यहाँ पर हमें लोकल देसी हिमाचली खाना खिलाया. ये लड़की इतना थक गई यहाँ आते आते, इसके आंसू निकल आए. और हमने यहाँ पर मंगाया है, क्या मंगाया? घी शक्कर और अचार. लोकल थाली नहीं, हमने लोकल थाली मंगाई है जिसका अभी कुछ कुछ आइटम आ गया है. तो चटनी है, अचार है, ये क्या है? घी है, शक्कर है. ये हमारी ट्रेडिशनल में चाय भी है, हिमाचली थाली और उसके साथ आई है ये रोटी. ये रोटी किस चीज की है भैया? मक्के की. मक्के की रोटी, सरसों का साग, सिड्डू, लाल चावल, ये राजमा, राजमा और कड़ी. और इसके साथ आया घी, चार चाय मंगाई है और बस अब हम इसको खाएंगे. लिंगरी का अचार है, ये लिंगरी का अचार मस्त है एकदम. कैसा लग रहा है दोस्तों खाना? कैसा अभी तक लग रहा है कि बहुत अच्छा लग रहा है. हम सबको बहुत अच्छा लग रहा है. फाइनली जब बारिश रुकी तो हम वहां से निकल गए पर रोड बहुत ज्यादा गीली थी और अंधेरा भी बहुत ज्यादा था. तो हम लोग जहां गए थे वाटरफॉल में वहां बहुत बारिश हो गई और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो हम वापस नहीं जा सकते थे क्योंकि वो 1.5 घंटे का रास्ता था. इसलिए हमने वाटरफॉल के पास में ही एक रिजॉर्ट, नहीं वो एक गेस्ट हाउस मिला है, हम वहाँ रुक रहे हैं. कैसा लग रहा है आज का तुम्हें एडवेंचर, कैसा लगा? मजा ही मजे आ गए, मतलब जिंदगी के मजे आ गए. आज हमने ऐसे ऑफ रोड बारिश और ऐसे अलग एक्सपीरियंस लग रहा था अगर बच गए तो जिंदगी जी लेंगे ये.
देखो क्या एक्सीडेंट हो गया, परमानेंट इसमें ये वाली तो डिस्टॉर्ट हो गई, गर्दन अंदर घुस गई, खिंच गई खिंच गई। इसके बाद हम लोगों ने अपने स्टे पे जाके रेस्ट किया और इतनी गहरी नींद आई पूरे दिन के थकान के बाद। अगले दिन सुबह सुबह उठे, हमने अपनी स्कूटीज निकाली और हम सीधे जंगलों के रास्ते से होते हुए, रास्ते में एक जगह पड़ा हमारे पास बहुत ही सुंदर एक ग्लैम्पिंग वाला स्टे था। हमें पता ही नहीं था कि इस जगह पे इतना सुंदर स्टे है, अदरवाइज हम यहाँ पर रुकते। कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम रुक लेंगे। इनके स्टेज बहुत ज़्यादा सुंदर थे, ऐसे अलग अलग शेप के रूम्स थे, बहुत प्यारा कैफ़े भी था। तो हमने सोचा यहाँ थोड़ी देर बैठते हैं, कुछ खाते पीते हैं, फिर वापस मनाली की ओर निकलेंगे। तो हम यहाँ पे बैठ गए और व्यू के साथ मस्त इन्जॉय करने लगे। हमने यहाँ पे पिज़्ज़ा भी मंगाया और साथ में लाटे कॉफ़ी भी मंगाई, और ये सब करते करते दिन एंड हो गया और लास्ट में हम गए मनाली और फिर हमारा दिन हो गया ख़त्म।